हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 105 प्रॉक्सी तक हमने रैप अप कर लिया था। बात हुई हमारी वोटिंग के ऊपर। वोटिंग का जो सेक्शन है वो शुरू होता है 106 से और वो चलेगा हमारा 1010 तक, मतलब 1110 तक, बेसिकली 110 तक इसके सेक्शन है। यहाँ पे 109 अपेरेंटली लिख रहा होगा आपको, जो कि गलत लिखा हुआ है। 110 तक हमारा वोटिंग का सिनेरियो चलेगा। अब वोटिंग बेसिकली है क्या, तो आपको ये जनरल पता लगा है कि जो मीटिंग हम करते हैं, मीटिंग में क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ एजेंडा होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, कितने लोग इसके पक्ष में, कितने लोग इसके विपक्ष में, मतलब कौन कौन इसके फेवर में, कौन कौन इसके फेवर में नहीं है। तो अब ये कैसे जाना जाए कि कौन फेवर में है, कौन फेवर में नहीं है, तो इसको पता करने के लिए हमें अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं हमारे एक्ट के अंदर, कि आप अलग अलग टाइप से वोटिंग करवा सकते हो और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो इस चीज पे अपने आप को सहमत समझते हैं और कौन है जो इससे असहमत है। तो जो भी सिनेरियो होगा उसको डिसाइड किया जा सकता है वोटिंग के जरिए, ठीक है ना। तो इसलिए वोटिंग करने का हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो निकल के आता है, जिसके ऊपर ये 5 सेक्शन है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की वोटिंग को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला जो सेक्शन है 106 का, वो बात करता है रेस्ट्रिक्शन का। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि कंपनी किन किन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, किन किन लोगों को कह सकती है कि नहीं जी आप वोट ही नहीं कर सकते। तो वो रेस्ट्रिक्शन का एक लौता सेक्शन है, छोटा सा 106, जिसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी ओवरव्यू देखेंगे हम बाकी चारों और तरीके के वोटिंग का, जैसे कि 107 आपको दिख रहा होगा जो बात करता है शो ऑफ हैंड्स के ऊपर, 108 है जो बात करता है अगर आप वोटिंग करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए, 109 बात करता है डिमांड ऑफ पोल के ऊपर, और 110 बात करता है आपका पोस्टल बैलेट के ऊपर। आप जरा इन चीजों को समझो, जो स्टार्टिंग है 3 सेक्शन आपके, जो शो ऑफ हैंड है और इलेक्ट्रॉनिक मील है और डिमांड ऑफ पोल है, इन तीनों के अंदर बेसिकली वो लोग वोट कर पाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है। ये तीनों एक तरीके से आप एक पार्ट समझ सकते हो कि अगर आप मीटिंग में आए हो तो मीटिंग में आए हुए मेंबर से अगर आपको वोटिंग लेनी है तो आप शो ऑफ हैंड के जरिए ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए ले सकते हो, या फिर पोलिंग के जरिए ले सकते हो। ये तीन आपके पास ऑप्शंस है। बट अगर ऐसा है कि जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं भी कर पाए, अगर उनसे भी आपको उनकी सहमति और असहमति जाननी है, उनसे भी वोटिंग लेना हो, तो वो लिया जा सकता है पोस्टल बैलेट के जरिए, जिसके अंदर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है कि ये सारे अगर डिस्कशन आप करते हो मीटिंग के अंदर, तो उस केस में आपको मेंबर को छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते मतलब कि अगर कोई मेंबर अटेंड नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि वो फिर वोट नहीं कर सकता, उसके केस में आपको मैंडेटरीली यूज करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट। तो वो कुछ केसेस हैं जो बताए गए हैं, जो हम देखेंगे सेक्शन 110 के अंदर। तो ये दो पार्ट आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पहले 3 चीजें हैं वो बात कर रहा है उस सिनेरियो में जब मीटिंग में अटेंड हुआ है मेंबर, तो उस तीनों में से किसी भी चीज को हमें चूज करके वोटिंग करवाई जा सकती है, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे, जैसा चेयरपर्सन चाहेंगे, उस तरीके से कुछ बातें होंगी। और पोस्टल बैलेट का सिनेरियो तब निकल के आता है जब वोटिंग में प्रेजेंट नहीं है मेंबर, और तब भी उसका वोट वहां पे लिया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये चार आपके अलग अलग सेक्शन आएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ सेक्शन नंबर 106 की, जो कि बात करेगा रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, और फिर फर्दर पार्ट्स के अंदर बाकी जो चार वोटिंग है उनको देखा जाएगा वन बाय वन। नाउ वोटिंग क्या है अपने आप में, तो वोटिंग एक आपको कहीं ना कहीं लगता होगा, सपोज करो आप खुद भी एक मेंबर हो गए किसी कंपनी के, तो आपको वोट देना एक बहुत बड़ा राइट लगता है, मतलब जनरली किसी को भी लगता है कि भैया हमें वोट देने का मौका मिले, ये हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार है, और जनरली इसको लोग लेना पसंद करते हैं और इसको एक्सरसाइज करना भी पसंद करते हैं। कोई अपना वोट का राइट को लैप्स नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि अगर मुझे वोट का राइट मिला है तो मैं उसको यूज करूं, अपना हक रखूं, बेसिकली अपनी बात रखूं कहीं ना कहीं उस मीटिंग के अंदर जिसके ऊपर भी जो चीजें डिस्कस की जा रही है। अब रेस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या कहता है 106 की, अगर कंपनी के आर्टिकल में मेंशन है, पहली बात तो मेंशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन का अगर क्लॉज मेंशन ही नहीं है आर्टिकल के अंदर तो आप किसी को भी नहीं रोक सकते। तो क्या कह रहा है 106 की, अगर कंपनी के आर्टिकल में मेंशन है कि अगर किसी मेंबर ने पैसे पूरे पे नहीं किए हैं, सपोज करो शेयर्स की जो अमाउंट थी, जो भी उसके अंदर अरियर था, उसकी पेमेंट नहीं आई है, नंबर वन, और नंबर टू होता है कि जो उनके शेयर्स है उसके ऊपर लीन का राइट एक्सरसाइज कर रही है कंपनी, कुछ भी ऐसा सिनेरियो रहा, कोई भी ऐसी कॉन्ट्रावेंशन रही जिसके वजह से वो जो मेंबर के शेयर है उस पर लीन क्रिएट हो गया, और वो लीन क्रिएशन का जो राइट है वो कंपनी एक्सरसाइज कर पा रही है। तो अगर ये दो सिनेरियो है, नंबर वन कि वहां पे पेमेंट नहीं हुई, मतलब कि जो मेंबर है उसको जो भी अमाउंट पे करना था, जो भी अरियर था वहां पे, जो भी पैसा कंपनी ने मांगा था वो उसने पे नहीं किया है, वहां पे कॉल सिनेरियो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, कुछ भी अनपेड अमाउंट एग्जिस्ट करता है, और दूसरा कि लीन का राइट है जो कि कंपनी एक्सरसाइज कर रही है। तो इन दोनों सिनेरियो में अगर आर्टिकल कहता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा इन दोनों में से तो उसको वोट करने को नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर सकता, उसकी वोट के राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो ही रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब इसको जरा समझो इस तरीके से कि सपोज करो किसी का अरियर है, लेकिन आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा, हमारे कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर अरियर होगा तो वो वोट नहीं कर सकता, और उसका अरियर है, अगर अरियर होने के बावजूद वो वोट करने का राइट यहाँ पे रखता है अगर आर्टिकल में नहीं लिखा तो मतलब क्या है कि सिर्फ अरियर होना अपने आप में सफिशियंट नहीं है, पहला प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आर्टिकल में होना चाहिए, आर्टिकल में इसका प्रोविजन
होना चाहिए कि भैया वोटिंग राइट कोई भी मेंबर नहीं कर पाएगा अगर कोई भी अमाउंट उसके अगेंस्ट ड्यू है तो, या फिर उसके शेयर के अगेंस्ट लाइन क्रिएटेड है और उसके राइट को एक्सरसाइज कर रही है कंपनी, तो इन दोनों सिनेरियो के अंदर उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता। अब बात करते हैं सबसेक्शन वन था जो इस बारे में बात करता। सबसेक्शन टू कहता है कि भैया यही जो सबसेक्शन वन में दो कारण बताए गए अलोंग विद दी प्रोविजन इन आर्टिकल, इसके अलावा और कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता जिससे कि कंपनी रोक पाए किसी भी मेंबर को वोट देने से, मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता किसी भी मेंबर को वोट देने से। ठीक है, फिर ये पैराग्राफ है ये पोल के ऊपर है तो फिलहाल यहाँ पे कंसिडर नहीं करना इसको। फिर बात आती है एक्सेप्शन के ऊपर, ये सेम टू सेम चल रहा है कि भैया ये प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो उसके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो उसमें सिंपल सी बात कही जाती है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन और द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, तो अगर उसमें प्रोवाइडेड है तो उसके इसमें प्राइवेट कंपनी में अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन प्राइवेट कंपनी को तभी मिलता है जब उसने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट ना कराओ फाइलिंग के अंदर, फाइलिंग कौन सी सेक्शन 92 की या फिर सेक्शन 137 की। फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नोट कुछ नहीं, उसी चीज को बस फोकस कर रहा है किस चीज को कि भैया सपोज करो अगर आर्टिकल में नहीं लिखा, आर्टिकल में कोई भी इसके रिलेटेड प्रोविजन नहीं है रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग, वोटिंग के रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन आर्टिकल के अंदर नहीं मेंशन है, और उसके बाद अगर वो पेमेंट ना करे या राइट ऑफ लीन का कोई एक्सरसाइज कर रहा हो कंपनी, तो ऐसे कोई भी मुद्दे के ऊपर उसकी वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती कंपनी अगर आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो। सबसे प्राइमरली जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आर्टिकल में इसका प्रोविजन इंसर्ट होना चाहिए। स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के ऊपर भी सेम प्रोविजन है जो कि सभी सेक्शन में आपको दिखता हुआ आ रहा है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल वो चाहे तो इसको अलाउ करे चाहे तो इसको अलाउ ना करे। ओके, फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं है बेसिकली एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वोटिंग बाय जॉइंट होल्डर्स, अगर जॉइंट होल्डर की वोटिंग है तो उस केस में क्या होगा। सपोज दैट मिस्टर एंड मिसेज अय्यर आर जॉइंट शेयर होल्डर ऑफ गोल प्राइवेट लिमिटेड, गोल प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट शेयर होल्डर है, आर बीइंग होल्ड 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस बीइंग ट्रांजैक्टेड एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, मिस्टर अय्यर इज द फेवर ऑफ द डिसीजन, जो मिस्टर अय्यर है वो उस डिसीजन के फेवर में, कहने जी ऐसा होना चाहिए, वेयर एज मिसेज अय्यर इज अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, भैया मिसेज अय्यर जो है उसके अगेंस्ट है, तो डिसाइड करो कि इसको कैसे माना जाएगा वोट, इस केस में वो कैसे कास्ट करेंगे, ज्वाइंट शेयर होल्डर है एक कह रहा है जी फेवर में एक कह रहा है अगेंस्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे किया जाएगा। तो अब अगेन यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि कभी भी ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो उनकी जो वोट होनी चाहिए वो एक ही पक्ष में होनी चाहिए, ठीक है, वो एक ही पक्ष में होनी चाहिए अनलेस की आर्टिकल में प्रोविजन हो कि वो दोनों लोग अलग अलग वोट भी कर सकते हैं। पहली बात का समझ में आई कि भैया उनका जो वोट है वो एक जैसा होना चाहिए, एक पक्ष में होना चाहिए, या तो अगेंस्ट या तो फेवर में, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में भी जा सकते हैं। कब जा सकते हैं, जब आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन होगा, मतलब आर्टिकल अगर आपको प्रोवाइड करता है ये पावर कि आप अलग अलग भी जा सकते हो तो जाया जा सकता है। अब अलग अलग अगर चले गए तो किसकी बात मानी जाएगी, किसका वोट लिया जाएगा, किसका वोट नहीं काउंट किया जाएगा, तो फिर वहां पे देखा जाएगा क्या, जो आपने देखा था पीछे कि अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर होते हैं तो उनकी रजिस्टर में जो एंट्री की जाती है वो कैसे की जाती है, तो वहां पे अपने एक हस्बैंड वाइफ वाला केस देखा था जहां पे कहा था हस्बैंड ने कि सिर्फ मेरी वाइफ का नाम रखो हस्बैंड का ना रखो, मतलब मेरा नाम ना रखो, तो उसमें एक प्रोविजन आया था क्या कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों में से एक का नाम लिखा जाए एक का नाम लिखा जाए, बट ये पॉसिबल होता है कि उसको किसी भी सर्टेन ऑर्डर में लिखा जाए और उसके लिए जो भी ज्वाइंट शेयर होल्डर कहेगा उसकी बात मान ली जाएगी, मतलब अगर वो कहता है वाइफ का नाम पहले लिखो तो पहले लिखा जाएगा, कहता है बाद में लिखो तो बाद में लिखा जाएगा। अब बात आती है वोट की, तो वोट में भी नाम उसी का कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसके ही डिसीजन को कंसीडर किया जाएगा जिसका नाम पहले लिखा होगा उस ऑर्डर के हिसाब से जो भी रजिस्टर में मेंटेन्ड है, तो रजिस्टर अगर मेंटेन्ड है जिसके अंदर मिसेज अय्यर का नाम पहले है तो मिसेज अय्यर का जो डिसीजन होगा वो वैलिड माना जाएगा, और अगर मिस्टर अय्यर का नाम पहले है तो उसका डिसीजन वैलिड माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि रजिस्टर में उनकी एंट्री जो हो रखी है वो कैसे हो रखी है। ओके, नेक्स्ट आप एग्जांपल आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कंसीडर अ सिचुएशन वेयर अ डायरेक्टर आर आल्सो अ जॉइंट होल्डर ऑफ अ कंपनी, अब एक डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर भी है, जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर भी कंपनी का, तो आप उसको वोट देना, वो कैसे वोट देगा, तो सीधी सी बात है भैया वोट दे सकते हैं क्योंकि वो शेयर होल्डर तो वोट देगा, और वो जो वोट देगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में देगा, वो ये जरा सी भी बायसनेस नहीं लेके आएगा कि मैं डायरेक्टर भी हूं और उसका कोई भी इन्फ्लुएंस उसके वोट पे आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो एज अ डायरेक्टर या एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चाहती है उसको ध्यान में रखते हुए वो शेयर होल्डर बनके वोट दे, ऐसा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर का ग्रुप क्या चाहता है वो एक अलग सेपरेट चीज है, और जब वो वोट देने जाएगा तो वो एज अ शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट वे में वोट देगा, लेकिन ये ऑब्वियस है कि भैया वोट देने का राइट तो उसके पास है एज बीइंग अ शेयर होल्डर, ठीक है, तो वो वोट को दे सकता है। तो ये दो एग्जांपल थे रेस्ट्रिक्शन के ऊपर। अब बाकी 107, 108, 109 और 110 ये चार टाइप की वोटिंग आएगी जिसको हम देखेंगे वन बाय वन सेपरेट सेपरेट वीडियोज के अंदर। तो फिलहाल इसको यहीं रैप अप करते हैं, फिर 107 को लेकर आते हैं नेक्स्ट पार्ट।